नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञान कोश विनोद बाबू के साथ। विश्व क्रिकेटर सर्वश्रेष्ठ विकेट कीपर और बल्लेबाज उन्हीं ने 15 अगस्त को लिया संन्यास। सारंग भल्लेराव ने एक ट्वीट करके अनसुनी बातें बताई हैं जो हम आपको बताएंगे। धोनी ने प्रारंभिक शिक्षा रांची में जवाहर विद्या मंदिर से की, जहां वे फुटबॉल कीपर थे। लोगों ने बताया कि आप क्रिकेट खेलिए, तब से उन्होंने क्रिकेट खेलना प्रारंभ किया। 1998 या 1999 में धोनी ने तिहार में सिलेक्ट हुए, जहां उन्होंने 5 मैचों में कुल 188 रन बनाए। श्रीलंका के टेस्ट में इनका सिलेक्शन की उम्मीद थी, इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, जहां 3 खिलाड़ी मौजूद थे, धोनी, अजय रात्रा और अमित देशपांडे। शुरुआत में इनका प्रदर्शन सही नहीं था, धोनी का सिलेक्शन नहीं हो पाया, अजय रात्रा का सिलेक्शन हो गया। धोनी ने सन 2000 में पहला शिकार प्रयागराज को बनाया। 19 साल बाद इनके बेटे रियान को आईपीएल में शिकार बनाया। स्कूल में इन्होंने दोहरा शतक बनाया। शब्बीर हुसैन के साथ 378 रन की साझेदारी की, जहां इन्हें 2000 की स्टीम पेट मिला करता था। धोनी को रांची खेलने जाने का मौका मिला, पर धोनी वहां समय से ना पहुंच पाए। फिर धोनी की मुलाकात सचिन तेंदुलकर से हुई। धोनी ने टेनिस बॉल क्रिकेट खेला और यहीं से हेलीकॉप्टर शॉट मारना सीखा। सन 2004 में धोनी का करियर टर्निंग पॉइंट था। सन 2004 में 2 शतक जड़े, इसके दम पर धोनी ने इंडिया टीम में जगह बनाई। 23 दिसंबर सन 2004 को धोनी भारत के 197 क्रिकेटर बने। ऐसी खबर को देखने के लिए हमसे जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।